परेशान। आप उधर से टेस्ट करिए, आवाज इधर नहीं आ रही है। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आदित्य शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में हम एक खुला मंच आपको प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी समस्याएं हमसे साझा कर सकते हैं और उनके समाधान आप हमसे जान सकते हैं। रोजाना हम कृषि जगत से जुड़े अहम विषय इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं और उससे संबंधित आपकी समस्याओं को सुनते हैं, उनके समाधान आप तक पहुंचाते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में किन विषयों पर होने वाली है चर्चा, आइए सबसे पहले आपको इसी के बारे में जानकारी देते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं स्वस्थ मृदा खुशहाल किसान। जी हाँ, बहुत ही अच्छा विषय है ये, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे आम एवं लीची फल में तुड़ाई उपरांत देखभाल के बारे में, किस तरह से देखभाल के कार्य आप कर सकते हैं इसके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी। कोई सवाल है आपके मन में, कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113-06-01, 1800-113-06-01। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर हैं। इस पर आप अगले घंटे के दौरान कॉल करके अपने जो सवाल हैं हमसे साझा कर सकते हैं। साथ ही आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिजिटल जमाना है, अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप तुरंत से व्हाट्सएप कीजिए। नंबर है 8800-520-7717, ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। तुरंत से आप यहाँ पर हमें मैसेज करेंगे, हम उसको पढ़ेंगे, सवाल पढ़ेंगे और हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो उसके जवाब आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। और ईमेल आईडी भी आपको बता देते हैं जिसके माध्यम से आप अपने सवाल हम तक और पहुँचा सकते हैं। हेलो किसान 2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। तो किसान भाइयों बहनों, बहुत सारे माध्यम अब हो गए हैं जिनके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अब जवाब आप तक कैसे पहुंचाए जाएंगे इसके बारे में भी बता देते हैं। विशेषज्ञ हमारे साथ उपस्थित हैं, परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर वंदना द्विवेदी जी उपस्थित हैं, बता दें सलाहकार हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। डॉक्टर वंदना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी, बता दें आपको ये वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं पूर्वी क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र रांची झारखंड में। डॉक्टर चौधरी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम कार्यक्रम हेलो किसान में। तो बिल्कुल, डॉक्टर चौधरी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आपके जो भी सवाल हैं आपको जवाब अब तुरंत से मिलेंगे ही। आप अपने फोन उठाना शुरू कर दीजिए, या तो हमें कॉल कीजिए, ईमेल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब भी अगर आप फ़ोन कर रहे हैं तो टीवी की आवाज़ कम कर दें और नेटवर्क एरिया में आकर कॉल करें, तभी तो हम आपका सवाल स्पष्ट तौर पर सुन पाएंगे और जवाब आप तक पहुँचा पाएंगे। तो बिल्कुल, आपके कॉल्स का, आपके सवालों का इंतज़ार करते हुए हम हमारी चर्चा की यहाँ पर शुरुआत कर देते हैं। डॉक्टर द्विवेदी यहाँ पर उपस्थित हैं स्टूडियो में, उनसे ही हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। विषय है स्वस्थ मृदा खुशहाल किसान। जब हमारी खेत की मिट्टी स्वस्थ होगी तो हमारा किसान जो है वो खुशहाल होगा ही, इस पर क्या कहेंगी? सबसे पहले आपकी इसी पर प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे हम। देखिए, जैसा कि जाहिर है, स्लोगन कह लीजिए इसको, कि अगर हमारी धरती माता स्वस्थ हैं तो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, वातावरण, बायोडाइवर्सिटी, सब चीज़ बहुत खुशहाल है। और जब सब चीज़ें अच्छी हैं तो मनुष्य भी बहुत खुशहाल है, क्योंकि उसको अच्छा प्रोडक्शन मिल रही है, अच्छे वातावरण मिल रहा है, अच्छी हवा पानी मिल रही है। तो मृदा के स्वास्थ्य के ऊपर हमारी जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा जोर देती रही है। आप पहले भी देखते रहे हैं कि पिछले करीब 7-8 सालों से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहा है, और हर आज देश का हर बच्चा जानता है कि सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन फिर भी उस पर अमल करना तो हमारे किसान भाइयों और बहनों का ही कर्तव्य है। सरकार तो जोर दे रही है, लेकिन आपके बिना सहयोग के हमारी धरा स्वस्थ नहीं हो सकती है। इसी पर आज हम आज चर्चा करेंगे विस्तार से।
तो खेत की मिट्टी अगर सेहतमंद होगी तो हमारे को उपज भी अच्छी मिलेगी और अच्छी गुणवत्ता वाली मिलेगी। इसके लिए सरकार की तरफ से भी कई प्रयास किए जा रहे हैं, किसान भी अपना रहे हैं, लेकिन परिवर्तन तभी आता है जब मिलकर एक दिशा में हम कदम बढ़ाते हैं। किस तरह से इस क्षेत्र में भी और उन्नति लाई जा सकती है, इसके बारे में हमारी विशेषज्ञ से समझेंगे हम विस्तार से, लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं आपको हमारी एक खास रिपोर्ट। मिट्टी की सेहत पर ही फसल उत्पादन निर्भर करता है। खेत की मिट्टी में कौन सी फसलें लगाई जाए, कितनी खाद दी जाए और सिंचाई किस विधि से अपनाए, इन सारे सवालों के लिए किसान को सबसे पहले मिट्टी का परीक्षण कराना होगा। हर साल देश की 5,334 टन मिट्टी खत्म हो रही है, यानी एक हेक्टेयर जमीन में औसतन 16.4 टन मिट्टी की बर्बादी। बीमार मिट्टी के इलाज के लिए मोदी सरकार ने 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई और नारा दिया स्वस्थ धरा तो खेत हरा। इस योजना के तहत जांच के आधार पर किसानों को सुझाव दिया जाता है कि किस खेत के लिए कौन सी फसल ठीक रहेगी और उसमें किस तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होगी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में 12 पैरामीटरों जैसे NPK यानी मुख्य पोषक तत्व, सल्फर यानी गौण पोषक तत्व, जिंक, फेरस, कॉपर, मैग्नीशियम, बोरॉन यानी सूक्ष्म पोषक तत्व और pH के संबंध में उनकी मिट्टी की स्थिति निहित होती है। इसके आधार पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड में खेती के लिए अपेक्षित मिट्टी सुधार और उर्वरक सिफारिशों को भी दर्शाया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड महज एक कार्ड नहीं बल्कि किसानों का मार्गदर्शक है। 23 करोड़ से ज्यादा कार्ड का वितरण किया जा चुका है। वहीं देश भर में 11,500 परीक्षण प्रयोगशालाएं संचालित की जा रही हैं। तो देखिए, अभी आपने एक विशेष रिपोर्ट IAS के साथ हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और अब रुख करते हैं डॉक्टर चौधरी का, जिनसे हम आम और लीची के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। तुड़ाई उपरांत किस तरह की देखभाल करनी है, इस पर जानकारी लेंगे। तो डॉक्टर चौधरी, आम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बाजार में हम आम की लहर देख रहे हैं, हम इस समय पक रहा है आम, तो किन खास बातों का ध्यान रखें और कैसे पहचानें कि आम पक कर तैयार हो चुका है? जैसे कि हम बात करेंगे अगर पत्थर की, जैसे अलग अलग पत्ता है तो उसके लिए हमें जान है आम का पकने का समय, जैसे बहुत पहले तो कुछ जुलाई में भी तो उसके लिए जो पक्षी है वो ये जी बिल्कुल साफ तौर पर डॉक्टर चौधरी आपकी आवाज हम तक और हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। थोड़ी देर बाद फिर हम आपका रुख करेंगे, आपसे विस्तार से इस सवाल का जवाब हम हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को एक खास रिपोर्ट है हमारी, वो दिखा देते हैं। आम के पके फलों की तुड़ाई 8 से 10 मिलीमीटर लंबी डंठल के साथ करनी चाहिए, जिससे फलों पर स्टेम राड बीमारी लगने का खतरा ना रहे। साथ ही पेड़ों से आम को हाथ से ही तोड़ना चाहिए और बड़े पेड़ों से हार्वेस्टर की सहायता लेनी चाहिए। आम के फलों की छटाई प्रजाति, आकार, भार, रंग और पके होने के आधार पर करना चाहिए। छोटे आमों को एक कैरेट में और बड़े आमों को दूसरे कैरेट में रखना चाहिए। वहीं लीची की बात करें तो लीची फल मई के पहले सप्ताह से लेकर जुलाई के अंत तक देश के अलग अलग हिस्सों में पककर तैयार हो जाते हैं। इनकी तुड़ाई करते समय फलों के पकते समय लाल रंग और फल आकार करीब 25 मिलीमीटर व्यास होना चाहिए। रंग के अलावा फल की परिपक्वता उस समय भी समझ आती है जब गुलिकाएं कुछ चपटी हो जाती है और छिलका चिकना हो जाता है। फलों की तुड़ाई पूरी तरह पकने पर ही की जाती है क्योंकि वे तुड़ाई के बाद पकना जारी नहीं रखते हैं। स्थानीय बाजार के लिए फलों की तुड़ाई आकर्षक छिलका रंग होने पर की जाती है, जबकि बाजार दूर होने पर फलों की तुड़ाई इससे थोड़ा सा पहले करनी चाहिए। लीची के फल कुछ पत्तियों और शाखा के एक हिस्से के साथ गुच्छों में तोड़े जाते हैं क्योंकि ये फल की भंडारण समय को लंबा करता है।
तो देखिए अभी आप सब ने एक विशेष रिपोर्ट, जब हम तुड़ाई करते हैं किसी भी फल की तो उससे पहले ये पहचान कर लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो तुड़ाई के लिए पककर तैयार हो चुका है। तो इसके संबंधित अभी आपने जानकारी हासिल की है। डॉक्टर चौधरी का भी रुख करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं डॉक्टर द्विवेदी का रुख करना चाहूँगी, क्योंकि मैम के लिए एक सवाल मेरे पास आ गया है व्हाट्सएप पर, और ये भेजा है अंकुर सहाय जी ने डेहरी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। इन्होंने लिखा है कि हम अपने खेत की मिट्टी की जांच कहाँ करवा सकते हैं जिससे ये पता चले कि मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है। क्या कहेंगे डॉक्टर वंदना? अंकुर जी देखिए, पहले तो आपको हम ये बता दें, थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं कि ये जो सॉयल हेल्थ कार्ड की योजना 2015 में शुरू करी गई थी और इसका विधिवत इस स्कीम को भी लॉन्च किया गया था राजस्थान से, और इस स्कीम में कई विशेष चीज़ें थीं। एक तो ये है कि हमारे देश में उससे पहले जो सॉयल टेस्टिंग होती थी, मिट्टी की जांच होती थी, उसमें सभी पोषक तत्व जो पौधे की बढ़वार के लिए वो आवश्यक हैं वो नहीं होते थे। कभी कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन कर दिया या NPK कर दिया, किसी ने PHEC कर दिया, लेकिन जब ये सरकार हमारी माननीय मोदी सरकार आई तो उन्होंने ये एश्योर किया कि हमें सॉयल हेल्थ कार्ड उसी तरीके से देना है जैसे मनुष्य के ब्लड की रिपोर्ट आती है। हमें टेस्ट कराते हैं तो हमें रिपोर्ट मिलती है अपने खून की जाँच की, तो उसमें ये निर्धारित किया गया कि सारे देश की जितनी भी लैब्स हैं उनको अपग्रेड किया जाए ताकि वो सारे 12 पैरामीटर टेस्ट करने लायक हों। उनका अपग्रेडेशन का बहुत बड़ा प्रोग्राम चला उसमें, और उसके बाद वो जो सॉयल हेल्थ कार्ड एक बनाया गया जैसा अभी आपने TV में देखा था कि उसमें 12 पैरामीटर की जांच सभी को करनी है। ये नहीं कि कोई स्टेट 3 कर ले या 5 कर ले, ऐसे नहीं, सबको पूरे देश में एक जैसे 12 पैरामीटर की जाँच करनी है, और उस जाँच के बाद एक तो स्टेटस बताएंगे, फिर बताएंगे कि आप इसमें कैसे पोषक तत्व डालें, और साथ में ये भी बताएंगे कि साल में जैसे 2-3 हमारी फसलें होती हैं, जैसे रबी खरीफ और जायद होती है, तो कम से कम 6 फसलों के बारे में उनकी क्या संस्तुति है पोषक तत्वों की वो बताएंगे। और सबसे बड़ी अहम बात इसमें ये कही गई थी कि पहले किसान के पास जितना भी मैन्योर या FIM या गोबर की खाद जितनी भी है पहले वो डालें, और उसके बाद फिर जो कमी पड़ रही है पोषक तत्वों की जांच के आधार पे उस हिसाब से फर्टिलाइज़र डालें। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चला था, अगर अब भी चल रहा है ये प्रोग्राम और 2 साइकिलों में लोगों को मिल चुके हैं सॉयल हेल्थ कार्ड, तो आप अंकुर जी अपने पास के भी जो भी असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर हों या कृषि का जो भी विभाग आपके पास हो उनके पास जाइए। और आपने अभी देखा कि इस वीडियो जो दिखाई गई थी उसमें कि 1500 सॉयल टेस्टिंग लैब है पूरे कंट्री में, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी नेटवर्क हो गया है। कहीं मोबाइल हैं, कहीं किट्स हैं, और ज़्यादातर स्टेशनरी लैब्स हैं, तो आप किस कृषि विभाग के पास जाइए और अपना नमूना लीजिए। यदि आप नहीं ले पाते हैं तो नमूना उनसे आग्रह कीजिए कि हमारे खेत की मिट्टी की जाँच करें, आकर सैम्पलिंग करें, तो ऐसे करके फिर आप उसका इस्तेमाल करिए। बिल्कुल, तो मिट्टी की जाँच करवाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कहाँ संपर्क किया जा सकता है, कैसे करवाई जा सकती है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, उत्तर प्रदेश बाराबंकी से नंद स्वरूप मिश्रा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जानते हैं उनका सवाल। हेलो, हेलो, नमस्कार। और हमारे सावधानी बरतनी चाहिए और कौन सी क्रियाएं हमें करनी चाहिए? बिल्कुल, तो देखिए सारी ही चीज़ें तो आप करते ही हैं, कंपोस्ट, हरी खाद, गोबर की खाद और सब चीज़ों का आप उपयोग करते ही हैं, और किस तरह से अपनी खेत की मिट्टी को ये सेहतमंद बना सकते हैं, क्योंकि हर किसान की यही उम्मीद रहती है कि खेत की मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर बना रहे तभी तो अच्छी उपज मिलेगी। इसके बारे में आप और क्या जोड़ना चाहेंगी डॉक्टर द्विवेदी? मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए जो हमारे आंकड़े कहते हैं कि देश की जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन की बहुत कमी है, फास्फोरस की कमी है, पोटाश की कमी है,
इस तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे हैं, बहुत से जिंक हैं, आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट, इन सब की बहुत कमी है, बोरान की बहुत ज़्यादा कमी है, लगभग 33% कमी है। तो कहने का तात्पर्य है कि पोषक तत्व तो बहुत ज़्यादा कम है हमारी साल में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी मिट्टियों में जो ऑर्गेनिक मैटर है तो वो सबसे ज़्यादा कम है और वो दिनों दिन कम होता जा रहा है। जितना कम ऑर्गेनिक मैटर होता है, जीवांश पदार्थ होता है, या इसे सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन कह लीजिए, उतनी ही मिट्टी इनफर्टाइल होती है, क्योंकि उसमें ना तब जल धारण की क्षमता अच्छी होती है, ना पौधों को पोषक तत्व जो रूट उसकी जड़ें पौधे की अवशोषित करती हैं आयनिक फॉर्म में उसको बदलने की क्षमता होती है, ना उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, केचुए भी नहीं होते हैं। तो ये एक एक बड़ी कठिन समस्या है हमारे देश के सामने। इसीलिए तो सॉइल हेल्थ कार्ड और सॉइल टेस्टिंग लाई गई है इस देश में, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। दूसरी बात ये कि ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट को यस मेंटेन करना इतना इजी भी नहीं है। आप सालों साल डालते रहिए, फिर भी बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि हमारा गर्म देश है उसमें। और किसान क्या करता है, बहुत ज़्यादा जुताई करता है, गहरी जुताई कर देता है, बड़े बड़े मशीनों से जुताई कर देता है, तो उससे क्या है, कॉम्पैक्टनेस भी हो जाती है और सारी मिट्टी जो है वो खुल जाती है, ऑक्सीडेशन होता है, तो सारा नाइट्रोजन बाहर चला जाता है, पानी बरसा तो नीचे आपका चला गया, अमोनिया के फॉर्म में चला गया। तो इसके लिए, इन सब के लिए कई विकल्प हैं आपके सामने। तो आप किसान भाई सभी जानते हैं कि ये बहुत पहले से हमारे मित्र पौधे क्या हैं, मित्र पक्षी क्या हैं, और हमें गोबर की खाद क्यों डालना चाहिए, कितनी डालना चाहिए, बहुत पहले से चल रहा है। लेकिन जब ये कालांतर में क्या हुआ कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की तरफ बढ़ते चले गए और हमने उसकी अवहेलना कर दी। अब तो ये आलम हो गया है कि बहुत ज़्यादा किसानों के पास मवेशियाँ भी कम हैं, क्योंकि उनको पानी पिलाना उनके लिए एक समस्या है। तो ये कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से हम इग्नोर करते हैं और हम केमिकल फर्टिलाइजर की तरफ चलते जाए। अब आप देखिए किसान भाई कि जो मिट्टी बहुत स्वस्थ थी तो आप केमिकल फर्टिलाइजर डाले, ग्रीन रेवोल्यूशन आई इस देश में, वो उस समय की आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि हमारी मिट्टी पोषक थी। लेकिन अभी हमारी मिट्टी बंजर होती जा रही है, तो हमें बहुत सावधानी से खेती करने की आवश्यकता है। और गोबर की खाद किसी भी रूप में आपको मिले उसको जरूर डालना है और ज्यादा से ज्यादा डालना है। आपने सुना होगा कि आजकल ये प्राकृतिक खेती की बात बहुत विस्तार से हो रही है। क्लाइमेट चेंज आप देख रहे हैं, किस समय वर्षा होनी चाहिए नहीं हो रही है, जब गर्मी पड़नी चाहिए गर्मी नहीं हो रही है। ये परिवर्तन आपने अभी कुछ दिनों में ही देख लिया, कुछ हफ्तों में ही देख लिया। तो ये सारे कारण इसीलिए हैं क्योंकि वातावरण में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्लाइमेट चेंज का वातावरण के ऊपर बहुत मतलब खराब असर हो रहा है, और उसकी वजह से ये हमारे पौधों के लिए, हमारी खेती के लिए उस तरह से नहीं रह गई जैसे पहले, उतनी लाभकारी नहीं रह गई है। तो ऐसे में देखिए, तो आप ये आवश्यकता है कि आप सुनते हैं कि प्राकृतिक खेती करनी चाहिए या जैविक खेती करनी चाहिए, तो एक बहुत अच्छा विकल्प हम लोगों के सामने आया है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें, क्योंकि हमारी मिट्टियों को ऑर्गेनिक मैटर की बहुत सख्त आवश्यकता है। उसके करने से आपको कैसे करें ये भी बताएंगे, लेकिन उसके करने से आपकी मिट्टी बहुत स्वस्थ होगी और जनरेशन के लिए जो आने वाली आपकी पीढ़ियां हैं स्वस्थ धरा देंगे। और किस तरह से आप कर सकते हैं, हमारी विशेषज्ञ ने आपको अभी तक विस्तार से विकल्प बता ही दिए हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए अब उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका अनुराग जी कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? हेलो जी मैम, अनुराग जी अपना सवाल पूछिए। मैम ये कह रहे हैं कि हम 5 बीघा मकाई बोना चाहते हैं, तो उसकी मिट्टी कैसे क्या जो है करा है? मक्का आप बोना चाहते हैं और उसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मैम हम ये कह रहे हैं कि मक्का बोना चाहते किस हैं क्षेत्र से 5 बीघा, तो मैम उसकी मिट्टी की कैसे जो है क्या जांच कराए, क्योंकि हमने पिछली बार बुआई की थी मक्का की तो वो सही नहीं हुआ था। बिल्कुल, कानपुर उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं। देखिए कानपुर फरखाबाद का क्षेत्र तो आलू का क्षेत्र है और वो मक्का बहुत अच्छी होती है वहाँ पे, क्योंकि आप जानते हैं कि आलू में बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र पड़ती है, तो इस वजह से खेत इतना उर्वरक होता है कि उसमें मक्का बहुत अच्छी होती है। लेकिन आपको ये जांच करानी पड़ेगी कि आपके खेत की मिट्टी में कोई पोषक तत्व ऐसा कम तो नहीं है जिसकी वजह से दूसरे पोषक तत्व पूरा लाभ ही नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए तो जांच आवश्यक है कि अगर कोई एक भी तत्व कम हो जाता है उसकी वजह से प्लांट की साइकिल पूरी नहीं हो पाती और उसको जो लाभ मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। अब मान लीजिए आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट या जिंक या बोरॉन किसी की कमी है आपके खेत में, आप यूरिया ही डालते जा रहे हो, तो क्या होगा,
पैसे की बर्बादी होगी और फसल अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए आवश्यक ये है कि आप मिट्टी का सैंपल नमूना यदि आप ले सकते हैं तो मैं आपको बता दूं कैसे लेना है आपको। यदि नहीं ले सकते हैं तो कृषि विभाग या आपके पास में कोई KVK होगा, कृषि विज्ञान केंद्र होगा, उनको उनकी मदद ले सकते हैं और नमूने को जांच करा सकते हैं। बिल्कुल, और फिर आप लेंगे तो बहुत अच्छी फसल होगी। बिल्कुल, तो जांच यहाँ पर जरूर करवा लें। अगर आपको नमूना लेना है मिट्टी का खेत से अपने, किस तरह से ले सकते हैं इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा, मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है, ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत, मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं स्वस्थ मृदा खुशहाल किसान, और साथ ही साथ आम और लीची फल में तुड़ाई के उपरांत कौन कौन सी देखभाल आप कर सकते हैं। लगातार हमारे विशेषज्ञ जानकारियां आप तक पहुँचा रहे हैं। आपके पास भी कोई सवाल है या तो आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर पर, या फिर आप हमें ईमेल आईडी के माध्यम से भी अपने सवाल पहुँचा सकते हैं। कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ से योगेश जी, आइए जानिए उनका सवाल है। हेलो, हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी हाँ मैम, ये पूछना था कि चीली लीची का अपने को प्लांट कहाँ से मिलेगा, उसके लिए सॉइल और क्लाइमेट कैसा रहेगा। बिल्कुल, लीची की आप खेती करना चाहते हैं, डॉक्टर चौधरी क्या कहेंगे लीची के लिए किस तरह की जलवायु मिट्टी होनी चाहिए और पौध कहाँ से ले सकते हैं किसान। लीची अच्छी हो सकती है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार यहाँ का भी लीची होती है जी। और इनको अगर अच्छे पौधे चाहिए तो जो हमारा ICR का रिसर्च जो अनुसंधान केंद्र रांची में है, फार्मिंग सिस्टम रिसर्च सेंटर, यहाँ से भी ले सकते हैं। और जो राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरपुर में है तो वहां से भी ये लीची के पौधे प्राप्त कर सकते हैं। अगर नेट पे देखेंगे तो वहां पे उनका कॉन्टेक्ट मिल जाएगा और वो उनको जब पैसे डालते हैं तो इनको पौधे भेज दिए जाएंगे। और छत्तीसगढ़ के लिए हम बात करते हैं तो जो लीची की वेराइटीज हैं जो रिकमेंडेड है, जैसे शाही है और बेदाना और पूर्वी वेराइटी, जो इनके लिए छत्तीसगढ़ के लिए सूटेबल रहेगी, तो छत्तीसगढ़ में लीची की अच्छी संभावना है, ये कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आपके लिए बिल्कुल जलवायु उपयुक्त है, आप अपने क्षेत्र में आसानी से कर सकते हैं। कहाँ से आपको पौध मिलेगी इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और व्हाट्सएप पे सवाल का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, आइए आपको बता देते हैं क्या सवाल आए हैं। ये सवाल हमें भेजा है नरेंद्र सिंह जी ने उदयपुर राजस्थान से। इन्होंने लिखा है कि आम में फूल बांध जाते हैं, आम में कीड़े पड़ना, आम की पत्तियां छोटी छोटी हो जाती हैं, इस समस्या का क्या समाधान है, डॉक्टर चौधरी क्या कहेंगे। आम में कीड़े लग जाते हैं और पत्तियां छोटी छोटी हो जाती हैं। जैसे इन्होंने जो आम की जो पत्तियां हैं छोटी छोटी हो जा रही है, फूल बन जा रहा है, तो इनका जो बीमारी है इसको मैंगो माल फॉर्मेशन बोलते हैं। इस बीमारी के जो नियंत्रण के लिए इसका कोई कारण अभी तक हम पता नहीं कर पाए, लेकिन बहुत सारे मिट्टी और माइट्स इनकी वजह से जो मैंगो माल फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसके लिए उसमें पौधों में जरूरी है कि उसका जो पोषक तत्वों का प्रबंधन और उस जी पोषक तत्वों का प्रबंधन जो है, जो पत्ता बंधा हुआ है बंधा हुआ है और जो पुष्पन जो बंधा हुआ है उसको सबसे पहले काट करके हटा दें
और जो जब फूल आता है उससे पहले NAA जो प्लानोफिक्स के नाम से मिलता है उसको 1 ml 4 लीटर पानी के हिसाब से फूल आने से 15 दिन पहले उससे स्प्रे करना है, तो उससे इस समस्या में काफ़ी हद तक नियंत्रण होता है। साथ ही जो पौधे का जो गर्त है जहाँ पे मिट्टी है उसकी खुदाई करके वहाँ पे पौधों में पोषक तत्व डालें तो इससे आपका माथा घुटने की जो समस्या है वो दूर होगी। इन्होंने जो पहली समस्या ये पूछी है, दूसरी है कि आम के फलों में कीड़े लगते हैं जी। तो इसमें जो फल मक्खी का प्रकोप होता है तो इनके लिए बता दें कि फल मक्खी के नियंत्रण के लिए सबसे पहला और अच्छा तरीका है कि ये फेरामोन ट्रैप जो मिथाइल यूजिनोल बेस्ड फेरामोन ट्रैप्स हैं 10 पौधे पे एक ट्रैप लगाएं। इसके साथ में जो विष पास है जिसमें पानी गुड़ का पानी में गुड़ को पानी में घोल करके 1 ml उसमें मेलाथियन या कुछ डाल करके प्रति लीटर पानी के हिसाब से जगह जगह पौधे के तने के ऊपर या पौधों के पत्तों के ऊपर छिड़केंगे तो उससे जो मादा मक्खियां वो आकर्षित होंगी और मरेगी। इससे जो फलों में कीट का जो अंडा है वो कम देगी और साथ में ही जो फल है उसको प्रोटेक्ट करें। उसके लिए बहुत सारे आजकल पॉलीथीन बैग्स आ रहे हैं, पॉलीविनाइल बैग्स आ रहे हैं, अगर गुच्छे में है तो आप उसको कवर रख सकते हैं जी। बिल्कुल, तो देखिए आपकी जो समस्या है आम से संबंधित उसका समाधान तुम्हारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। एक और सवाल है नरेंद्र जी का ही और इन्होंने पूछा है कि भूमि में दीमक का प्रकोप ज्यादा है, समस्या का स्थायी समाधान क्या हो सकता है, क्या कहेंगे डॉक्टर वंदना? बिल्कुल डॉक्टर चौधरी आपका ही यहाँ पर रुख करना चाहेंगे, दीमक की समस्या ज्यादा है, क्या कह रहे हैं हमारे किसान भाई? जी, दीमक की समस्या के जो निदान के लिए बहुत एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, इसके लिए हमारे जो दिल्ली में विशेषज्ञ हमसे मिले। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो खेत के आसपास दिनकोले हैं दीमक के जो घर हैं उनको हटाना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें रानी दीमक होती है। अगर हम बाहर मजदूर होते हैं उनको मारते रहते हैं तो रानी दीमक इतने अंडे देती है कि हमारा जो कंट्रोल है वो व्यर्थ हो जाता है। तो इसलिए जो दीमक के आसपास घर है उसमें रानी रहती है उसको सबसे पहले खेत के आसपास में सफाई करके उसको हटाना जरूरी है। और उसी जो अगर आप हटा रहे हैं उसको पानी भर करके उसमें कुछ इंसेक्टिसाइड जैसे बायपेंथ्रीन है और या फिर इमिडाक्लोप्रिड है उसका घोल डालें तो इससे आपका दीमक वहां से अगर रानी कंट्रोल हो गई है तो आपका मुख्य खेत में कंट्रोल कम दीमक का प्रकोप कम होगा। अभी बारिश का समय है, बहुत सारे दीमक के जो राजकुमार या बाहर लाइट पे आएंगे तो प्रकाश जो कहीं पे लाइट लगा करके उसके नीचे में केरोसिन का पानी डाल देंगे तो बहुत सारे दीमक आपको वहाँ पे कंट्रोल होगी, फ्यूचर में आपको दीमक का प्रकोप जो है वो कम होगा। अगर आपका खड़ी फसल में प्रकोप है तो बहुत सारे इंसेक्टिसाइड जैसे बायफेंथ्रिन है, इमिडाक्लोप्रिड जो टर्मिटोर के नाम से मिलता है, अलग अलग नामों से मिलता है, इसको आप खेत में भी पानी के साथ में बहा करके दीमक को कंट्रोल कर सकते हैं कुछ हद तक। बिल्कुल, तो देखिए नरेंद्र जी आपके दोनों ही सवालों का जवाब हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचा दिया है। एक और सवाल आया है और इन्होंने लिखा है कि मैडम मैं विजय कुमार वर्मा कोटा राजस्थान से, मेरा सवाल है कि मैं 20 दिन पहले मृदा परीक्षण के लिए मिट्टी के नमूना लिया था पर मैं उसे भेज नहीं पाया था, क्या अब मैं उसे भेज सकता हूं या फिर मुझे दोबारा नमूना लेना पड़ेगा, क्या कहेंगे? देखिए जब मिट्टी का नमूना लिया जाता है तो उसे थोड़ा सा अगर गीला है तो उसको थोड़ा सुखा लेना चाहिए हवा में और उसके बाद अगर आपने भरा है थैली में या पॉलीथीन बैग में तो आप उसको बेशक भेज सकते हैं क्योंकि वो लैब में भी जाके उसको 1-2 हफ्ते रखा ही होना होता है। तो लेकिन आप ये इंश्योर करिए कि आपने जो मिट्टी का नमूना लिया है वो हवा में सुखाया था या नहीं, अगर वो गीला है तो नहीं ठीक है लेकिन आप उसको भेज सकते हैं वैसे। बिल्कुल, तो जैसे ब्रेक पर जाने से पहले मैं कह भी रही थी कि हमारे किसानों को हम बताएंगे कि नमूना लेना है तो क्या प्रक्रिया रहती है, आप हमारे सभी दर्शकों को बताएं। देखिए किसान भाई, याद करें हमने इस विषय में बहुत बार आप लोगों से चर्चा की है और राज्य राज्य में जाके इसके बहुत सारे डेमोंस्ट्रेशन भी कराए हैं। हम फिर से आपको एक बार बताते हैं कि जैसे हमारा एक सपोज एक चौकोर खेत है हमारा या जो भी आकार का खेत है तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि हमारे जो खेत है उसमें कोई फसल खड़ी नहीं होनी चाहिए, पानी भरा नहीं होना चाहिए,
हार्वेस्टिंग के बाद जब खेत खाली हो जाता है तब आप सैंपलिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रिकॉशन ये रखना है कि आप या तो ऑगर है जिसे होल करके मिट्टी निकालते हैं या खुरपी ले लें। अगर आपके पास आप किसान हैं तो आपके पास खुरपी अवश्य होगी। तो आप खेत के उन चार कोनों से मिट्टी लीजिए और उसको एक तसले में या अखबार में या कोई पॉलीथीन उसके ऊपर रखिए चारों कोने से। आप ये ध्यान रखें कि पेड़ के नीचे की मिट्टी ना लें, अगर किसी तरफ पानी भर रहा है तो उधर की मिट्टी ना लें। और इस तरह से एक चारों कोनों से आपने मिट्टी लेने के बाद मिलाया और उसको अच्छे से मिलाने के बाद उसके चार टुकड़े कीजिए, तीन हटा दीजिए, एक रखिए, फिर उसको मिलाइए। इस तरह से करके जो आपकी करीब आधा किलो मिट्टी रह गई, 500 ग्राम मिट्टी रह गई, दो तीन बार ऐसे करने से, तो वो उस खेत की पूरा एक रिप्रेजेंटेटिव सॉयल नमूना, मिट्टी का नमूना हो जाता है। उसको आप हवा में थोड़ा सा सुखा लें और थैली में भर लें। आप अपना खसरा नंबर लिखें, किसान का नाम लिखें, डेट लिखें और उसको आप जाँच के लिए भेज सकते हैं, वहाँ पर लैब पर जाके खुद स्वयं भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो सैंपल लिया जाता है, मतलब हमारे एक खेत की पूरा नमूना जो है वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कोने की मिट्टी उठाई और हमने चारों कोनों से मिट्टी यहाँ पर मिलाई जाती है। यूनिवर्सली मतलब पता हो कि हमारे पूरे खेत को ये रिप्रेजेंट कर रही है और उसकी जब जांच होती है तो हम उस खेत में उसके अकॉर्डिंग अनुसार ही हम वो डालते हैं फर्टिलाइजर या। बिल्कुल, तो किस तरह से आपको नमूना इकट्ठा करना है अपने खेत से जब आप उसकी जाँच के लिए लेकर जा रहे हैं मिट्टी को, तो इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। अब इसी तरह से आप अपने खेत से नमूना लीजिए और नज़दीकी जो भी टेस्टिंग लैब है वहाँ का रुख कीजिए, मिट्टी की जांच करवाइए, उसके अनुसार ही पोषक तत्वों का प्रबंधन कीजिए। ऐसी ही अहम जानकारियाँ और भी आप तक आगे पहुँचाएंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काश्वी, इतने कम मार्क्स? काशु बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो, आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब वो देखो, सिर्फ पैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो। उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ, पर हम तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव ऑन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे अपने खेत की मिट्टी को हम स्वस्थ बना सकते हैं और साथ ही साथ आम और लीची के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो जल्दी से आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए रुख कर लेते हैं यहाँ पर हम डॉक्टर चौधरी का। डॉक्टर चौधरी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे शुरुआत में ही मैंने आपसे सवाल किया था कि आम पककर तैयार हो चुका है तुड़ाई के लिए, पहचान कैसे करें और तुड़ाई के समय किस तरह की सावधानियाँ बरतें? जी, आम जैसे पकता है तो उसमें से
पता लग जाता है, कुछ कुछ आम पहले पकना शुरू होता है, तो ये आम का सबसे एक रॉ तरीका है कि जिससे पता लग जाता है कि हमारा आम पकना शुरू हो गया है जी। और जैसे ही आम पकता है तो सबसे पहला है कि उसमें तुड़ाई के समय क्या ध्यान देना है। बहुत सारे हमारे वो जो गलत तरीके हैं जिनको हम बोलते हैं कि एक आदमी पेड़ पे चढ़ करके उसकी डाल को गिनाता है और सारा आम नीचे गिर के फिर उसको कलेक्ट करते हैं लोग जी। तो इस तरीके में क्या होता है, जो भाग मिट्टी पे टच करता है, गिर के जो भाग मिट्टी पे लगता है, वहां से आपका आम कुछ दिन के बाद में सड़ने लगता है, तो उसका कीपिंग क्वालिटी कमजोर हो जाता है। तो ये तरीका जो मुख्य रूप से करते हैं इसको नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आम ऊपर से अगर आप तोड़ के गिरा रहे हैं तो वो डायरेक्ट जमीन पर नहीं गिरना चाहिए उसको, या तो कुछ आप नीचे में तिरपाल लगा करके कलेक्ट करें कि वो नीचे में डायरेक्ट न गिरे। और दूसरा तरीका है कि जब आज हमारा जो आईसीआर का जो लखनऊ जहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, उसने एक डिवाइस बनाया, सिंपल डिवाइस है वो, आम तोड़ने के लिए बहुत उपयोगी है, तो उसका प्रयोग करें। उससे क्या होगा कि आपका जो आम का कीपिंग क्वालिटी है वो अच्छा बना रहता है। और कई बार अगर हम थोड़ा कच्चा आम तोड़ते हैं तो जो स्टार के पास में से टूटने से उसके ऊपर में उसी का रस लग जाता है आम का, उस लगे हुए रस से आम सड़ना शुरू होता है, उसके ऊपर काला धब्बा लग जाता है। तो इसके लिए सावधानी हम किसान भाइयों से बोलते हैं कि उसको स्टॉक सहित तोड़ें। अगर आप स्टॉक सहित नहीं तोड़ पा रहे हैं तो उसको जैसे ही तोड़ते हैं तो बहुत सारे बम्बू के स्ट्रक्चर, लोकली जो बांस का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर में तोड़ते ही आम को उल्टा रखते हैं, उससे क्या है कि जो उसका जो रस है वो आम पर नहीं लगे, आम पे जहाँ पे लगता है तो उससे आपका जो पहले भी मैंने बताया है कि जो कीपिंग क्वालिटी है वो कमजोर होती है और आम पकने से पहले सड़ना शुरू होता है। तो आप उसको उसके सही तोड़ेंगे तो आप में वो परेशानी नहीं होगी। अगर वैसे तोड़ रहे हैं स्टाक सही तो आम को उल्टा रखें जिससे उसके ऊपर में उसका जो रस है वो न लगे, तो आपको आम बाहर में बेच सकते हैं, कीपिंग क्वालिटी अच्छी रहेगी। बिल्कुल, तो ये ध्यान देने वाली बात है जब भी आप आम की तुड़ाई कर रहे हैं। और एक और सवाल डॉक्टर चौधरी आपके लिए ही आ गया है और ये भेजा है जौहर सिंह जी ने सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। इन्होंने पूछा है कि लीची की फसल तोड़ने के बाद कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए और कितने दिन के बाद। जी, लीची में बहुत, अगर उन्होंने अभी उनका लीची की फसल का तुड़ाई हो गया होगा तो उसमें तोड़ने के बाद में अगर खाद का जो, क्योंकि बहुत सारा इसमें खाद का प्रबंधन बहुत जरूरी है, तो आपका अगर लीची का पौधा पूरा विकसित हो गया है 10 साल से ज्यादा का है तो एक लीची के पौधे के लिए आपको 50 केजी FIM या तो सड़ी हुई गोबर की खाद जिसको बोलते हैं 50 केजी या 15 केजी वर्मी कंपोस्ट आपको डालना है, उसको एक समय में डालना है। जैसे ही तुड़ाई हो गई है, बारिश से शुरू होने वाली है, उस समय में आपको पहला डोज जो खाद है उसका पूरी तरह से आपको थाले के अंदर में डालना है। और जो उर्वरक है, उर्वरक में जैसे आपका लीची का पौधा है अगर 10 साल से ज्यादा का है तो 1 केजी नाइट्रोजन का कोई सोर्स, 1 केजी फास्फोरस और 600 ग्राम के लगभग पोटेशियम आपको डालना है दो टाइम में। पहला टाइम है कि अभी बारिश शुरू हो उस टाइम में, और 2/3 भाग अभी डालना है और 1/3 भाग को जब आपको फूल आ रहा है, फूल आएगा तब डालेंगे उस भाग को, 1 केजी प्रति पौधे के हिसाब से जो मैंने आपको बताया है। तो ऐसे आपको लीची में उर्वरक प्रबंधन का ध्यान रखना है। सूक्ष्म पोषक तत्व जो मैंने 2/3 भाग बताया है वो नाइट्रोजन का 2/3 भाग, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा अभी डाल देनी है और जो 1/3 भाग नाइट्रोजन का बचा है वो पुष्पन के समय में डालना है फूल आते समय। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व की बहुत इसमें लीची में जरूरत होती है, मुख्य रूप से बोरोन और जिंक की कमी इसमें ज्यादा प्रोमिनेंट रूप से दिखाई पड़ती है, तो इसलिए पोषक तत्वों का जो स्प्रे है वो आपको फूल आने से समय से हर 15 दिन के अंतराल पे 2 ग्राम प्रति लीटर बोरिक एसिड या बोरोन का और कोई सॉल्युबल कोई भी रूप हो या फिर जिंक सल्फेट 1 ग्राम
फर्टिलिटी का वहाँ पे करते रहना है, तो ये इसमें खाद और उर्वरकों का प्रबंधन नीचे में इस तरह से आपको ध्यान, तो किस तरह से आपको खाद प्रबंधन करना है, उर्वरकों का प्रबंधन करना है, जौहर जी हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से बता दिया है। बढ़ते हैं आगे और एक और सवाल हमारे पास आया है और ये भेजा है जानकी लाल जी ने मंदसौर मध्य प्रदेश से, और इनका सवाल है कि अभी सोयाबीन की बुआई चल रही है, क्या हम DAP का इस्तेमाल करें या फिर गोबर की खाद, क्या कहेंगे डॉक्टर द्विवेदी आप? देखिए हमें किसान भाइयों से ये कहना है कि यदि आप किसी खेत में बुआई करने जा रहे हैं, किसी भी फसल की बुआई करने जा रहे हैं, तो पहला आपका काम है कि आप उस मिट्टी की जाँच करा लीजिए। दूसरी बात ये है आप सुनिश्चित करिए कि आपके पास कितनी गोबर की खाद या FIM या वर्मी कंपोस्ट क्या है उसका इस्तेमाल कीजिए, और जो आपके सॉयल हेल्थ कार्ड की रिकमेंडेशन में जो एक संस्तुति दी होगी आपकी फसल के लिए, चाहे वो सोयाबीन हो या धान हो, उस संस्तुत के हिसाब से जैसे कि नाइट्रोजन है वो सारा एक साथ नहीं डालना होता है, उसकी बेसल डोज होती है, फिर बाद में फ्लावरिंग वगैरह के समय में डालते हैं, तो उसके अनुसार ही आप पोषक तत्वों को उसमें मिलाएं, और अगर हो सके तो आप अपने जैसे सोयाबीन है तो बायो फर्टिलाइज़र जैविक खाद से उसका जो बायो जैसे राइजोबियम वगैरह है उससे आप उपचार बीज उपचारित करेंगे और उसके बाद बुआई करेंगे तो बहुत अच्छी फसल होगी। बिल्कुल ऐसा ही एक मिलता जुलता सवाल और आया है अवधेश कुमार जी का उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर से कि धान की रोपाई में पहली खाद में क्या क्या प्रयोग करना चाहिए, तो इन्हें भी यही सलाह रहेगी कि पहले जाँच जरूर यहाँ पर करवा लें। बिल्कुल धान की फसल भी हो, मैंने बताया कि कोई भी फसल है पहले तो जांच कराइए, और जांच कराने से पहले ये सुनिश्चित करिए कि क्या क्या चीज़ें उसमें कौन कौन से पोषक तत्व कम हैं, क्योंकि आप ऐसे ही डाल देंगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि हमने तो सब कुछ डाला था लेकिन इसमें फिर भी अच्छी फसल नहीं आई, तो इसलिए पहले आप जाँच कराएँ, और उस जाँच में आप जब जाँच के लिए नमूना देते हैं तो आप अपनी कौन कौन सी फसल लेते हैं ये भी बताते हैं वहाँ पर, तो उस उन फसलों की रिकमेंडेशन आ जाती है कि आपको इतना बेसल डालना है, NPK का इतना माइक्रो और न्यूट्रिएंट डालना है, या इतना आपको खाद डालनी है, जैविक खाद डालनी है, आपको बायो फर्टिलाइज़र डालना है, ये सारी चीज़ें हमारे सॉयल हेल्थ कार्ड में आ जाती है, तो उसके अनुसार अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन विशेष ध्यान दीजिए कि आपके पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा FIM या कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। बिल्कुल, तो जितनी अनुमोदित यहाँ पर कहें या फिर संतुलित जो मात्रा है वो दी जा रही है उसके अनुसार ही अगर आप उपयोग करेंगे तो आपके खेतों के लिए, आपकी उपज के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये नहीं कि अगर हमारे साथ वाले किसान ने इतना डाला है तो हम भी उतना ही डालेंगे, हर खेत की मांग बहुत ज़्यादा अलग होती है, तो ऐसे में जाँच करवाना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब मैं डॉक्टर चौधरी का एक बार फिर से रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर चौधरी, आपने ये तो बता दिया कि लीची की तुड़ाई के बाद खाद प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, तुड़ाई कर रहे हैं हमारे किसान उस समय किस तरह से सावधानियां बरतें ये भी आप जानकारी दें। जी, लीची की फसल जो है वो अभी तुड़ाई हो चुकी है और आम की फसल की जो अभी आम जो है तुड़ाई की जा रही है। जी जी। जैसे इनमें लीची में आपका आम में तुड़ाई हो जाती है तो सबसे पहले जरूरी है कि जो क्योंकि एक हमारा स्लोगन है, मंत्र है कि अगर स्वस्थ पौधा रहेगा तो आपको जो उपज है वो अच्छी होगी, तो उस स्वस्थ पौधे को बनाए रखने के लिए हम बहुत बार देखते हैं कि जैसे ही अब लीची तोड़ लिया है, आम तोड़ लिया है, पौधों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि इसको हम बोलते हैं कि उन्होंने उपज दी है तो अभी वो कमजोर हुए होंगे, निश्चित रूप से उनको बहुत पोषक तत्वों की आवश्यकता रही होगी, उनका आकार विकृत हुआ होगा, तो उसके लिए कटाई छटाई, उनके कैनोपी मैनेजमेंट, उसमें खाद उर्वरकों का प्रबंधन, कुछ कीट और रोगों का प्रबंधन वो बहुत जरूरी है, जो अभी आप फल तुड़ाई कर लेंगे इसके बाद में करना बहुत जरूरी है। तो जैसे पहले हम लीची की बात करते हैं क्योंकि लीची की तुड़ाई हो चुकी है, जो लेट वाली वेरायटी है उनकी भी तुड़ाई हो चुकी है, तो सबसे पहले जिन बागों में लीची की तुड़ाई हो चुकी है उनकी कटाई छटाई करें। कटाई छटाई इतनी करनी है कि उसमें जो मुख्य तना है उसमें अच्छे से लाइट पास हो, जो सूर्य का प्रकाश है वो मुख्य तने तक पहुंचना चाहिए, इतनी आपको कटाई छटाई उसकी करनी है। कटाई छटाई के उपरांत में जो मैंने अभी बताया है खाद एवं उर्वरकों का जो डोज बताया है वो लीची में बहुत जरूरी है जिसको देना, जैसे ही नया फ्लस आएगा, नई पत्तियां निकलेंगी, उस पर बहुत सारे कीट और बीमारियों का प्रकोप होगा,
उसको बनाए रखना, उसका नियंत्रण बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कीट एवं बीमारियों का आप नियंत्रण इस समय में नहीं कर रहे हैं तो उससे आपका पौधे का बढ़वार है वो रुकती है, और बढ़वार रुकने की वजह से आपको जो अगले साल जो लीची की उपज है बहुत कम होती है। उसमें जो मुख्य रूप से कीड़े आते हैं, जैसे आपका कैटरपिलर्स हैं, बहुत सारे लीफ फोल्डर्स, लीफ फीडर्स कीड़े आते हैं, और माइट की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, जिसमें पत्तियाँ आपको गुच्छों में या आपको मुड़ी हुई दिखाई देती हैं माइट के प्रकोप से। आपको उनको काट छाट करके हटा देना है, और जैसे ही नई पत्तियां आती हैं माइट के प्रकोप को रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए जैसे ओमाइट आप पे एक माइटीसाइड है जिसको 2 ml प्रति लीटर पानी से आप सितंबर के महीने में प्रयोग करें, जहां पर कैटरपिलर्स का प्रकोप होता है तो आवश्यकता अनुसार जैसे लैम्डा साइलोथ्रिन है 1 ml प्रति लीटर पानी, या साइपरमेथ्रिन 1 ml प्रति लीटर पानी, या जैविक तरीके से आप कर रहे हैं तो नीम का जो नीम आधारित कीटनाशक है जैसे नीम तेल है, नीम तेल को 5 ml प्रति लीटर पानी उसमें जो स्प्रेडर ये डाल करके आप उसका समय अनुसार छिड़काव करें। जी बिल्कुल डॉक्टर चौधरी, माफ कीजिएगा आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम पहले शामिल कर लेते हैं फिर आपसे हम जानकारी लेंगे। मध्य प्रदेश से प्रेमचंद जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी सवाल पूछिए। आप अपना सवाल दोहरा दीजिए। हमारे आप गाज में अभी आम धर रहे पूरा है, पर आम थोड़ा बुझा आता है और फाट देता है। आम जो है वो फट रहा है जी, क्या कहेंगे डॉक्टर चौधरी, आम के फटने की समस्या यहाँ पर आ रही है। जी इनके जो आम के फटने की समस्या है वो मुख्य रूप से पोषक तत्वों की कमी की वजह से फटती है, उसमें बोरोन मुख्य रूप से, बोरोन की कमी की वजह से आम का जो फल होता है वो फटता है। तो इनको पहले से आपको बोरोन की जो कमी है उसको, बोरोन और जिंक जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी कमी को दूर करना है। इसके लिए आपको जब पहले आप गोबर का खाद डालिए, वर्मी कंपोस्ट, उसके साथ में जैसे ही आपका फल जमाव हो जाता है उस समय से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से बोरिक एसिड या सोलिवो या जिंक सल्फेट का आप 15 से 20 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहें, तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व तो मुख्य रूप से बोरोन की कमी नहीं होगी, तो आम इनके फटने की समस्या बहुत हद तक नियंत्रित रहेगी। बिल्कुल, तो जो समस्या आ रही है उसका क्या समाधान है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है, और आगे भी जानकारियों के सिलसिले को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मजाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम। हेलो किसानों, बने रहिए दूरदर्शन के साथ। पर अरे वाह भाई, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे, अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी, फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुँचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइने और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म? हाँ। तभी मैं सोचूं
कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हमारी चर्चा जारी है स्वस्थ धरा और हमारे खुशहाल किसान, और साथ ही साथ आम लीची की तुड़ाई के बाद किस तरह की देखभाल कर सकते हैं हमारे किसान। इन दोनों ही विषयों पर अहम चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब आप तक पहुँचा रहे हैं। अभी भी आपके पास कोई सवाल है तो जल्दी से पहुँचाइए हम तक, क्योंकि अब समय काफ़ी कम रह गया है। और यहाँ पर मैं एक बार फिर डॉक्टर चौधरी का रुख करना चाहूँगी। और डॉक्टर चौधरी, आपने लीची के संदर्भ में सारी जानकारी दी, आम के बाग को की देखभाल के लिए किस तरह की आप सलाह देना चाहेंगे हमारे किसानों को? आम में भी जैसे अभी फल बहुत सारे तुड़ाई चल रही है, बहुत सारे लोग तोड़ चुके भी हैं। वो रीजन जो आम की वैरायटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ वैरायटी अभी आम्रपाली बहुत लेट तक आएगी, तो जिन बागों में आके फल तुड़ाई हो चुकी है, फल तोड़ना बाकी है, उसके बाद में सबसे पहला जरूरी है कि उसका जो शाखाएं आपकी बहुत सारी अनवांटेड शाखाएं जिनको बोलते हैं कि इधर उधर पौधों की क्रिस क्रॉस ग्रोथ करती है, जिसकी वजह से आम में हवा का जो पौधे होते हैं उसमें हवा का आवागमन कम होता है, तो ऐसी जो रोगग्रस्त और अनवांटेड जो शाखाएं उनको काट करके हटा दें। और अगर जरूरत पड़ती है जिनका पौधों का जो बिगड़ जो पौधे बहुत ज्यादा बढ़ने वाले रहते हैं, तो उसमें अभी जो अगस्त या सितंबर माह में सेंटर ओपनिंग करें। सेंटर ओपनिंग का मतलब है कि इसमें पौधे के जो सेंटर की शाखाएं ऊपर से नीचे की तरफ पे जो आती है, जो प्रकाश को सूर्य के प्रकाश को मुख्य तने से आने तक रोकते हैं, उन शाखाओं को काट करके हटा दें। इससे क्या कि जो पौधा है उसमें हवा का आवागमन अच्छा रहेगा और उसमें कीट और बीमारियों का प्रकोप कम होगा। और इसके साथ में जैसे लीची में हमने बात की, इसमें भी खाद एवं उर्वरकों का प्रबंधन बहुत आवश्यक है। हमने लीची में बताया था कि दो समय में खाद डालना है, लेकिन हम आम में बताते हैं कि उसमें तीन टाइम में आम में उर्वरक खाद को डालना है। खाद को आपको दो टाइम में डालना है और उर्वरक को तीन समय में डालना है। खाद जैसे हो आधा, जैसे अगर आपका पौधा पूरा 25 साल 30 साल का हो गया तो उसमें 50 केजी के लगभग गोबर की खाद चाहिएगी। उस गोबर की खाद में आधा यानी 25 केजी खाद को आप बारिश के शुरुआत में डालिए और 25 केजी खाद को बारिश के जब खत्म होने वाली है उस टाइम में डालिए। इससे क्या होगा, पौधे को अच्छे तरीके से मिलेगा। उर्वरकों में ये ध्यान रखना है कि हम जो यदि आपका आम का पौधा एक साल का है तो उसको 100 ग्राम नाइट्रोजन, 100 ग्राम फास्फोरस और 60 ग्राम पोटेशियम फर्टिलाइजर देना है। इसको एक साल पे दुगुना करता रहना है। जैसे आपका 100 ग्राम था तो 100 ग्राम बढ़ाते रहिए। जैसे ही 10 साल का पौधा होगा तो आपको 1 किलो नाइट्रोजन, 1 किलो फास्फोरस और 600 ग्राम पोटेशियम की जरूरत पड़ेगी। तो अगर 25 साल का पौधा है तो उसमें आप 10 साल के बाद में 1 साल का 1 केजी से आप बढ़ाइए मत, तो उसमें आपको आधा दो तिहाई जो मात्रा है वो जब बारिश उपरांत में डालनी है और 1/3 मात्रा को आप जो नाइट्रोजन वाला है उसको फूल आने के समय में आपको डालना है, और दूसरा जो फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बारिश के उपरांत आप उसी समय में डालिए। तो ये आपका खाद एवं उर्वरकों का प्रबंधन है। बिल्कुल, तो इस तरह से हमारे जो किसान हैं वो आम और लीची के बागों की देखभाल कर सकते हैं जब तुड़ाई कर लेते हैं। डॉक्टर चौधरी, आपने इतनी अहम जानकारियां साझा की हमारे सभी दर्शकों के साथ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बिल्कुल, तो इसी के साथ आइए अब रुक कर लेते हैं डॉक्टर द्विवेदी का। डॉक्टर द्विवेदी, आखिरी सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, वो भी प्राकृतिक खेती को बहुत यहाँ पर प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपने भी जिक्र किया कि अगर हमारी खेत की मिट्टी को स्वस्थ बनाना है तो प्राकृतिक खेती एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे सभी दर्शकों? मैं देश के सभी किसानों से पुनः ये दोहराना चाहूंगी कि आप अपने खेत के
एक छोटे से हिस्से में प्राकृतिक खेती ज़रूर करिए। प्राकृतिक खेती वो है जो कि गौ आधारित गाय के गोबर और गौमूत्र से बने हुए इनपुट जो आदान होते हैं उनसे की जाती है। कोई भी बाहर का फर्टिलाइज़र उसमें नहीं डालते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं, और जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं तो पोषक जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं उनको भी नहीं डालते हैं। आप इसको करके देखें, और जो भी गोबर आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जब जिन भी किसानों ने अपने खेत में करा है वो इसको अपने और दूसरे हिस्से में भी ले जा रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छा विकल्प है खेती का। ये एक इतना सुनहरा मौका है कि सरकार भी इसको प्रोत्साहित भी कर रही है, और इसके लिए एक अलग से नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग भी लेके आ रही है, जिससे देश के किसानों को नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती करना सिखाया जाएगा। आप सभी ने देखा होगा कि हमारा जो एक मैनेज एक्सटेंशन का एक विभाग है जो हमारे हैदराबाद में है, वो उसके द्वारा बहुत सारे ग्राम पंचायत स्तर पर बहुत सारी ट्रेनिंग करी गई है प्राकृतिक खेती के ऊपर। हमारा जो नेशनल सेंटर है नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग का गाज़ियाबाद का या उसके रीजनल सेंटर से, उन्होंने भी बहुत सारी ट्रेनिंग करी है और लगातार ये चलती जा रही है। बिल्कुल, तो यहाँ पर कह सकते हैं जी कि कुल मिलाकर प्रोत्साहित किया ही जा रहा है और हमारे किसानों को साथ मिल सके इसके लिए पूरी व्यवस्था भी की जा रही है, और प्रशिक्षण ले सकते हैं हमारे किसान और इसे अपना भी सकते हैं। प्राकृतिक खेती ना केवल आपकी आमदनी में वृद्धि कर सकती है बल्कि आपके खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। बिल्कुल डॉक्टर वंदना द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हुई, आपने सभी को इतनी अहम जानकारियाँ दी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपने विस्तार से जान लिया कि आप अपनी खेत की जो मिट्टी है उसके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए किस तरह के कदम उठा सकते हैं और इसे कैसे संभव कर सकते हैं। साथ ही आम और लीची की तुड़ाई कर ली है आपने, तो आप अपने बागों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, ये तो हो गए आज के कार्यक्रम के विषय। अब हमारे अगले कार्यक्रम के विषय क्या रहने वाले हैं, आइए आपको बता देते हैं। अगले कार्यक्रम का जो विषय है वो रहेगा किसानों की सेवा में केवीके, यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र। जी हाँ, इससे संबंधित चर्चा होगी और आंवला की खेती और संवर्धन पर भी हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे हमारे अगले कार्यक्रम में। इन विषयों से संबंधित आपके पास कोई सवाल है, आप पहले ही हम तक पहुंचा सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं आप हमें। ईमेल आईडी है हमारी hellokisan2015@gmail.com। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप इसके माध्यम से भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, आप इनके जरिए अपने जो सवाल हैं हम तक पहले ही पहुंचा सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल किया जा सकता है और अपना सवाल रिकॉर्ड करवाया जा सकता है, जिन्हें हम कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। और आपको बता दें टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर तो रहेंगे ही, जिसके माध्यम से लाइव हम आपके सवाल कार्यक्रम में शामिल करेंगे और जवाब आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। और साथ ही बता दें हमारा कार्यक्रम आप दोबारा भी देख सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है, सीधे पहुँचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप हमारा ये एपिसोड दोबारा देख सकते हैं, पुनः तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।